आप बताएं कि कैसा लगा आपको? बस मुझे असल में बचपन से शौक था एक नेचर की क्लोज होने का और वाइल्ड लाइफ से और चीज़ों से मोहब्बत है, लगाव है, जिस वजह से मेरे माइंड में एक आइडिया आया। यार बैठते तो है रोज बाहर, तो बैठने से अच्छा हम एक टेंट में बैठ जाएगा, टेंट लगा के उसका इससे मुझे ख्याल है टेंट लगा लूँ, बेड लगा लूँ, मेरे ख्याल है कि कैंडल्स ये जो क्या है कि बड़े नेट से ये फायदा है कि आपको फायर से नजर आता है सारा, छोटे नेट से जो चीज़ें अभी ये आपके लिए बनाया है सब्जियाँ ज़्यादा होती तो आप जला लेते हैं, आप वगैरह देखते हैं ये काफ़ी गाड़ी। ये 2015 में एंड किया था। अच्छा। और फिर उस वक्त स्टफ करवा लिया था और स्टफ करवा के इसको एज अ माउंट हमने रखा था। तो ये आईबेक्स है मार्को? ये बेसिकली आईबेक्स है, ये हमारे जो मार्कोर जो होता है उसके स्ट्रेट सिंग होते हैं, थोड़े से स्पाइरल टाइप के भी होते हैं। आईबेक्स जो होता है उसके सिंग ऊपर जाके फिर तेज करते हैं। आईबेक्स के जो हैबिटेट्स हैं वो बलोचिस्तान और सिंध में आपको ज़्यादातर मिलेगा, और जो मार्कोर है वो आपको गिलगित वाली साइड पर, गिलगित में, मुंजा में, कुंजराब और इस वाली बेल्ट में ना अस्तोर में, आपको इन बेल्ट्स में मार्कोर हमारा जो नेशनल एनिमल है वो मिलेगा। ये बेसिकली बलोचिस्तान और सूबा सिंध में आपको हिंगोल में भी मिलेगा आपको, और उत्थल वाली साइड पर भी मिलेगा, दूरेजी में भी मिलेगा, जितने भी हमारी कंजर्वेंसीज हैं उसमें भी आपको मिलेगा, और ऑल ओवर मेरे ख्याल में 70% बलोचिस्तान में आपको उड़ियाल और आइबेक्स आसानी से मिलेगा। बहुत अगर ये होते जी वहाँ के जो होते हैं वो उड़ियाल होते हैं, वहाँ पर उड़ियाल वो होते हैं जिसके वाइल्ड शीप कहते हैं, उसको पंजाब उड़ियाल भी बोलते हैं, और वहाँ पंजाब में भी आइबेक्स सबकी एक ही है जी, फैमिली एक ही है, थोड़े दूर बस क्लासेस हैं, इसमें क्लासेस होती हैं, जैसे उड़ियाल की अलग क्लास है, इसकी आइबेक्स की अलग है, मार्कोर है उसकी क्लास अलग है, डियर जो है उसकी क्लास अलग है। इनका उनके यहाँ जाना हुआ था ना उसके बाद और ये इसको बेसिकली कैमलियन बोलते हैं इंग्लिश में, और हम लोग की लोकल लैंग्वेज में जैसे आप गिरगिट बोलते हैं तो ये वो है, रियल है। हाँ, और ये जो फैन लगा हुआ है आप देख सकते हैं, ये भी बैटरी ऑपरेटेड है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, यानी जितना भी मैंने सिस्टम किया हुआ है ना बगैर इलेक्ट्रिसिटी के, एक छोटी सी बैटरी है उसमें मैंने वायर वगैरह के साथ कनेक्ट किया हुआ है, छोटी सी लाइट्स जल जाती हैं, अगर ये मैं लाइट्स ऑफ भी करके दिखाऊं, जैसे आप देख सकते हैं मैं लाइट्स ये जल रही है ना, ये अगर आप नेचुरल बिल्कुल लुक देना चाहते हैं तो सिर्फ लालटेन का लुक भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये मैंने लाइट्स ऑफ कर दी, ये लाइट्स मैंने ऑफ कर दी, अब देखें कितना पीसफुल एनवायरनमेंट है बगैर लाइट्स के, आप सिर्फ नेचर के उसमें बैठे हो। मिलेगा ही नहीं ना ये कराची के अंदर इस तरह के, मैं नहीं समझता हूँ कि आपको कोई सेटअप मिलेगा। और जब ज्यादा ठंड होती है तो हम इसमें आग लगा देते हैं और चाय इसमें हम बनाते हैं। ये देखें, ये लगाया हुआ स्टैंड हमने बनाया हुआ है कस्टम बिल्ट, और इसमें हम केटली रखते हैं, उसमें थोड़ी सी आग लगाते हैं, वहीं पर चाय भी बन रही होती है, हाथ भी सेक रहे होते हैं, और दोस्तों यारों के साथ यहाँ रात में अक्सर बैठ जाते हैं, लेट नाइट भी बैठते हैं, और जो हम लोग का बेसिकली जो कल्चर है हमारे सिंध का, वो कचेरी वगैरह या मच कचेरी जिसको हम बोलते हैं, तो वो भी हम यहाँ पर करते हैं। और ये हमने बस छोटा सा एक नारेजो हाउस कराची में बैठक बनाई हुई है, कराची में आपने गांव वाला टच दिया, गांव वाला अपना टच दिया हुआ है, तो बस बाकी अल्लाह की ज़ात है जो इज्जत देती है। और आप लोगों को किस तरह लगाइए सेटअप?